हेलो बच्चा लोग, वाइस्य गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक हमने शुरू किया है। सो इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ थियरी पार्ट डिस्कस किया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस सेट 2.1 का के आगे वाले क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यह है क्वेश्चन नंबर 2 2.1 में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया है इन ट्रायंगल एमएनपी, क्या दिया है डायग्राम आपके सामने है। आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल एन इज 90 डिग्री है, इट इज गिवन टू यू MNP, और एन क्यू इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है, कल हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, उसे जरा याद कीजिए। ये थ्योरम हमें क्या एक्सप्लेन करता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल में से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल में से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपो पर, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाइपो के दो पार्ट हो गए, कौन से, हाइपो इज MP, उसके दो पार्ट MQ और PQ, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है इसका स्क्वायर। सो देखिए, आपको पूछा गया है NQ कितना, NQ आपको निकालना है। NQ क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू राइट एंगल ऑन व्हाट, हाइपो। तो इसलिए इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हम लिख सकते हैं। उसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, उसके लिए रीजन लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, राइट। सो अब देखिए, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, सो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इनटू QP, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके लिए रीजन हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ओके। तो दोस्तों अब इसमें जो भी दिया है वो रखिए, आपको NQ फाइंड करना है। तो ये दोनों दिए हैं आपको, MQ इज 9 इंटू QP इज 4, 9 4 36, सो NQ स्क्वायर हो गया 36। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालिए, टेकिंग स्क्वायर रूट NQ हो गया, और ये इधर 6, रूट 36 मतलब 6 हो गया। सो दिस इज द लेंथ ऑफ NQ, इट्स सो सिंपल, वेरी चिल्लर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायमेंशंस अलग कर चेंज करके दिए हैं। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंगल P मतलब QPR, एंगल QPR इज राइट एंगल हेयर 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले एंगल में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या होती है, हाइपो होती है, हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इधर करना है अभी। अब देखिए, PM इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपो QR, QR इस हाइपो पर, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब PM का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, हाइपो के जो दो पार्ट्स हो गए उन दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर, QM इंटू MR, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए रीजन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों रख दीजिए आराम से, जो भी डिस्टेंसेस आपको दिए हैं, PM आपको दिया है 10, देखिए ये 10 दिया है, 10 तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, PM स्क्वायर है वहां पर, इज इक्वल टू QM दिया है 8 इंटू, यहां से आपको MR मिलेगा, MR, तो ये हो गया 100 अपॉन 8, तो ये हो गया MR, ठीक है, QM इंटू MR, PM स्क्वायर इक्वल। अभी देखो यहां पे QR आपको निकालना है, तो डायरेक्ट QR नहीं मिलेगा, पहले MR फाइंड करो,
बाद में क्यू आर निकालने के लिए क्यू एम प्लस एम आर कर सकते हैं। तो यहां से 100 अपॉन 8 देखिए कितना होता है, 100 अपॉन 8, तो 8 से डिवाइड कीजिए या फिर छोटे छोटे नंबर है आपके पास कर सकते हैं आप। यहां पे आएगा 4 2 जा, तो 4 से इसको डिवाइड किया 25 आ जाएगा। 25 बाय 2 कितना हो गया, 12.5, 25 बाय 2 तो ये हो गया 12.5, ये मिला आपको एम आर, ठीक है, एम आर मिला 12.5। तो आपको चाहिए क्यू आर, तो ले लीजिए यहां पर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। यहां पर रीजन लिख सकते हैं आप, क्या है रीजन, क्यू डैश एम डैश आर है कि नहीं, सो एम बीच में है, सो क्यू एम कितना है 8 प्लस एम आर कितना मिला, एम आर मिला 12.5। सो ये बन गया 20.5, ये हो गया क्यू आर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये हो गया क्यू आर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट खुशी खुशी और खुशी खुशी। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे वाले दो एग्जांपल्स एकदम चिल्लर क्वेश्चन है। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है सामने दिया है आपके, और ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, एक 30-60-90 वाला ट्रायंगल दिया है। यहाँ 30 यहाँ 90 मतलब बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और पहले लेक्चर में हमने 30-60-90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसके प्रॉपर्टीज हमने देखे है, राइट। 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हमें हमने देखा है, वही यहाँ पर अब अप्लाई करना है। अब देखिए एक साइड आपको दिया है एस आर 6 दिया है, और आपको पूछा गया है आरपी और पीएस कितना। अब देखिए पीएस और आरपी ये आपको निकालना है, तो आरपी इज द हाइपो, तो 30 डिग्री के सामने वाले साइड का फार्मूला पहले अप्लाई करो, कौन सा फार्मूला, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। सो यहां पे पहले बताना पड़ेगा इन ट्राइंगल आर एस पी, इस ट्राइंगल में एंगल पी इज 30 डिग्री, एंगल एस इज 90 डिग्री, और देयरफॉर एंगल आर बन जाएगा 60, ठीक है। तो उसका टाइप पहले बताना पड़ेगा, इट इज 30-60-90 डिग्री ट्राइंगल, इट इज 30-60-90 डिग्री ट्राइंगल, ओके। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 इंटू, सो कल मैंने डिस्कस किया है, याद है, याद आया होगा। सो वैसे आप मेहनती बच्चे हैं, 30 के सामने वाली साइड 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब 30 की सामने वाली साइड है एस आर, तो एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपो, क्या है इसका, इसका हाइपो है आरपी, राइट। तो यहां इसके बदले हम मैं लिखूंगा आरपी। अब देखिए अपोजिट साइड ऑफ 30 के सामने वाली साइड है एसआर, एसआर कितना है, रख दो यहां पर एसआर है 6, 1/2 इंटू आरपी। तो आप देखिए ये 2 इधर आएगा, बड़े आराम से आएगा, 2 6 12 12 इज इक्वल टू आरपी। दिस शोज दैट आरपी आपको मिला 12, दिस इज वन आंसर। अब आपको निकालना है पीएस, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता हो गए, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 60 डिग्री के सामने वाले साइड, सो प्रॉपर्टी यूज करो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होती है, याद आया होगा। सो वैसे आप मेहनती बच्चे हैं, √3/2 इंटू हाइपो, ठीक है। 60 डिग्री के सामने वाली साइड व्हाट इज इट, पीएस, तो ये हो गया पीएस, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो मीन्स आरपी। तो आरपी आपको पता हो गया, अभी यहां पे आरपी है, अभी अभी हमने निकाला है, यहां पे रख दो √3/2 इंटू 12, तो 2 से डिवाइड किया 2 6 √3, सो 6 √3
ये टू सिक्स मतलब यहां सिक्स आ गया, ये रूट थ्री वैसे ही रख दिया, दिस बिकम्स पी एस, बड़े आराम से लिख सकते हैं, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें दो साइड्स आपको इक्वल दिए हैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये 90 है, 180 में से 90 निकालो, अभी कितना बचा, 90 बचा, उसके दो इक्वल पार्ट्स कर दो, 45 डिग्री 45 डिग्री, राइट। मतलब दिस इज ट्रायंगल एबीसी इज 45 45 डिग्री ट्रायंगल, तो इसलिए ए बी बी सी इक्वल होना चाहिए, ए बी और बी सी इक्वल है तो इट इज 45 डिग्री ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी बोल सकते हैं। इस ट्रायंगल में बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आना चाहिए, यहां पे राइट एंगल दिया है तो बी ए सी दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, या फिर बी सी ए पूछा होता तो भी हम कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री। अब ये दोनों साइड सेम है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 45 45 45 90, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दोनों साइड क्या जो लेंथ होता है वो सेम होता है, हाइपो को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/√2 इंटू हाइपो, 1/√2 इंटू हाइपो, तो ये 1/√2 इंटू हाइपो ए सी, ए सी इज रूट एट, इट इज गिवन टू यू, तो इसे उठा के यहाँ पे आराम से रख दो, एसी के बदले मैंने लिखा रूट एट। अब आगे यहां पर दिया है 2√2, वो यहां से मिला आपको, ये तो आप समझ सकते हैं, ये इसे 4 × 2 कर सकते हैं, 8 को 4 के लिए मैंने लिखा 2, और ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वैसे ही रखो, मतलब 8 मतलब 2√2, तो ये 8√8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं, तो ये यहां पे कंटिन्यू कर दो, 1/√2। अब देखिए 1/√2 इंटू 2√2, इसमें रूट टू और रूट टू चला गया तो क्या बचा, 2, सो इट शुड बी 2। और ए बी और बी सी दोनों का लेंथ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, डू यू गॉट इट। सो इतना सिंपल था, इतना चिल्लर था वो क्वेश्चन, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो इसको समझने के लिए फिर से एक बार उस स्क्रीनशॉट की तरफ नज़र डालिए, अगर उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। सो पाइथागोरस थ्योरम यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बेसिक आपने सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में देखा है, लेकिन इस टॉपिक को इस साल हम डिटेल में देख रहे हैं, राइट। इसका काम आपको इसके बाद में 11th 12th में भी आपके काम आ सकता है, ये बेसिक टॉपिक है आपके लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।